लेकिन जो पूछ रहा है उसको ये भी नहीं मालूम कि वो जो लैब टेस्ट का सर्टिफिकेट देने वाले में जो देने वाले हैं उसमें है क्या, क्या टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, आपने कभी देखा है? जब जानते नहीं है इस वीडियो को जरूर देखना अंत तक। लेबोरेटरी में जब ये स्टोन को भेजा जाता है तो इसमें कुछ चीजों की जांच की जाती है, इससे पता चले कि भाई ये कहीं ग्लास का तो बना हुआ नहीं है, ये स्टोन नेचुरल है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक होता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर में देखा जाता है कि उसका जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना है, क्योंकि हर एक जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं उसमें फिक्स्ड होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI जैसे कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे सफेद की, येलो सफेद, ब्लू सफेद, व्हाइट सफेद, जितने सफेद होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं 1.7 प्लस माइनस थोड़ा 1.75, बट जनरली 1.7 इतना मान के चलिए। दूसरी बात देखी जाती है कि इसकी हार्डनेस कितनी है। हार्डनेस मतलब है कि सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, वो होता है 10 स्केल में माना जाता है। तो जितने सफेद होते हैं ये इनके होते हैं 9 हार्डनेस होते हैं। फिर देखी जाती है कि डेंसिटी क्या है। जैसे सफेद की डेंसिटी होनी चाहिए 3.5 to 4, तो हार्डनेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, डेंसिटी हो गया। उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में, 25x 30x मैग्नीफाई कर देखा जाता है कि इसके अंदर किस प्रकार की फॉर्मेशंस हैं। तो जो नेचुरल जेमस्टोन्स होंगे उसमें नेचुरल इंक्लूजन होंगे, तो लिखा जाएगा कि नेचुरल इंक्लूजन फाउंड। और ये तीनों पैरामीटर बेसिकली जो आपको बताया मैंने वो देखा जाता है। तो एमराल्ड के अलग होंगे, सफेद के अलग होंगे, रूबी के अलग होंगे, लेकिन ये तीन चार चीजें जो बताया मैंने ये तो चेक किया ही जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि जो लैब सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं ये सही है कि नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लेबोरेटरी खुल गए हैं और चारों तरफ हैं जो कि आपकी जेमस्टोन की चेक करते ही नहीं है। ऐसे भी लेबोरेटरी है सर्टिफिकेट आपको ऐसे दे देते हैं जैसे आपको डिग्री की फर्जी सर्टिफिकेट मिल जाती है, इस प्रकार के सर्टिफिकेट की भी भरमार है। तो आप जहां से खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का या उस इंस्टीट्यूशन का या उस शॉप का, उसकी मार्केट में क्या इज्जत है, स्टेटस क्या है, ये जरूर आप पता लगाएं। केवल सर्टिफिकेट के जरिए ऑनलाइन खरीदने में कुछ खतरे तो होते ही हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक और चीज बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्टिंग होती है जेमस्टोन की, हर एक जेमस्टोन की केमिकल कंपोजिशन होती है। जैसे आपको बताया मैंने, जैसे ब्लू सफेद मानी, ब्लू सफेद क्या क्या होना चाहिए, उसमें आयरन ऑक्साइड होना चाहिए, उसमें टाइटेनियम होना चाहिए, उसमें आयरन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। अब मैंने बताया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जिससे कि चेक करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर हो गया या दूसरा जो डेंसिटी चेक करने के चीजें हो गई, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे क्या ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो स्टोन है ये नेचुरल है या सिंथेटिक है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि सिंथेटिक स्टोन जो सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल कंपोजिशन से कंपोजिशन लेकर लेबोरेटरी में बनाया गया हो तो इंस्ट्रूमेंट से आप नहीं बता सकते हैं कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है। और ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। आपको लगता होगा कि लेबोरेटरी में सब कुछ पता चल जाता है, ये चीजें लोग बताते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि जो सिंथेटिकली क्रिएटेड जेमस्टोन्स लेबोरेटरी में बनाया गया है ठीक तरीके से, द सेम काइंड ऑफ केमिकल कंपोजिशंस, जैसे मैंने बताया ब्लू सफायर में उसमें आयरन ऑक्साइड भी होगा, वो उसमें टाइटेनियम भी होगा, उसमें आपका आयरन भी होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.7 होगा, उसका हार्डनेस भी 9 होगा, उसका डेंसिटी भी 3.5 to 4 होगा। ये इंस्टॉल किया था लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो ये बन सकता है सिंथेटिकली एकदम ट्रू स्टोन विद सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन
सवाल ये है कि जब आपको नेचुरल जेम स्टोन रेकमेंड किया जाता है तो नेचुरल जेम स्टोन तो अनहीटेड होना चाहिए, और ये सिंथेटिक स्टोन जब बात कर रहे हैं अभी हम, ये तो हीटेड भी हो गया क्योंकि हीट करके बनाया जाता है, और ट्रीटेड भी हो गया कि उसमें कलरिंग किया जाता है इसका। तो आप कैसे पहचानेंगे? पहचानने के कोई तरीका नहीं है, तरीका ये है कि आप जहां से खरीदें उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, जो बेच रहे हैं उनकी साख क्या है मार्केट में, ये देखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जेमस्टोन्स तो बहुत महंगे होते हैं, पैसा खर्च करने से पहले इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusfiduciary.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।